नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको फ्रिज साफ करना सिखाएंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि गर्मी आ रही है, तो गर्मी के सीजन में फ्रिज का उपयोग ज़्यादा किया जाता है, तो फ्रिज की साफ सफाई करना भी ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं हमारी फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। अब हम इसे साफ करेंगे, तो साफ करने का बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले फ्रिज में रखे हुए सामान को हम निकाल कर बाहर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने फ्रिज से सारा सामान निकाल लिया है। फ्रिज से सारा सामान निकालने के बाद आपको फ्रिज को बोर्ड से ऑफ कर देना है। तो सबसे पहले बटन ऑफ करना है और उसके बाद प्लग को निकाल देना है, जिससे फ्रिज पूरी अच्छी तरह से बंद हो जाए। करंट लगने का कोई डर नहीं रहेगा। अब आप आसानी से फ्रिज साफ करते हैं। अब आप आसानी से फ्रिज साफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस ढक्कन को हम निकाल लेंगे और इन सबको भी निकाल लेंगे। निकाल कर बाहर अच्छे से इसे धुल लेंगे। हमने फ्रिज के सारे खाने को निकाल दिए हैं, उसको हम धुलने के लिए रख दिए हैं। सबसे पहले इसको हम साफ कर लेते हैं, उसके बाद उसे साफ करेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके का एक नॉर्मल सूखा कपड़ा सूती लेना है, उससे पूरे फ्रिज को अच्छे से इस तरीके से झाड़ पोंछ कर साफ कर लेना है। तो हम पूरी फ्रिज को इसी तरीके से साफ कर लेते हैं। इसमें जो पानी वगैरह है उसे अच्छे से सूखे कपड़े से साफ कर लेंगे। फ्रिज को अच्छे से कपड़े से साफ कर लिया। अब हम फ्रिज को साफ करने के लिए जो उपयोग करेंगे वो है हार्पिक। हार्पिक से फ्रिज बहुत ही अच्छे से साफ हो जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हार्पिक को किस तरीके से आपको प्रयोग करके फ्रिज की सफाई करनी है। तो आपको ये वाला स्क्रबर लेना है। आपके पास कोई भी स्क्रबर हो, पुराना हो, वही वाला लेना है। इसी पे थोड़ा सा हार्पिक गिराएंगे और इस तरीके से पूरे एक एक कोने पर अच्छे से लगा देंगे। इसी स्क्रबर की मदद से पूरे फ्रिज में अच्छे से लगा देंगे। हार्पिक में वैसे तो एसिड लगा रहता है, तो इससे सारी गंदगी अच्छे से साफ हो जाती है। तो आप हार्पिक से बहुत ही आसानी से फ्रिज साफ कर सकते हैं। तो हम पूरे कोने कोने पर इसी तरीके से हार्पिक लेते हुए पूरे फ्रिज में लगा देंगे। जब आप अच्छे से लगाएंगे तो आपकी फ्रिज अच्छे से साफ होगी, नहीं तो आप बोलेंगे कि आप गलत बता रही हैं। अब इसी तरीके से हम पूरे फ्रिज में हार्पिक लगा लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आगे की प्रोसेस क्या है। हार्पिक को लगाते समय आपको हाथ में दस्ताना पहन लेना है, क्योंकि हार्पिक में एसिड मिला रहता है, जिससे हाथ कटने का डर रहता है। इसलिए हार्पिक लगाते समय आपको हाथ में अच्छे से एक दस्ताना, नहीं तो कोई भी पॉलीथीन आप लगा सकते हैं, उसके बाद ही हार्पिक लगाएं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने पूरी फ्रिज में अच्छे से हार्पिक को लगा दिया है। अब हम इसी तरीके से बाहर भी लगा देंगे। लगा कर हम 10 मिनट छोड़ देंगे। उसके बाद आगे आपको बताएंगे कि आगे आपको क्या करना है। इस तरीके से फ्रिज बहुत ही अच्छे से और आसानी से साफ हो जाती है, बिल्कुल भी झंझट नहीं होती है। तो आप भी इस ट्रिक को अपनाइए और कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव शेयर कीजिए। तो चलिए हम अंदर इस तरीके से बंद करके छोड़ देते हैं फ्रिज को, और बाहर भी हार्पिक पूरा अच्छी तरीके से लगा देंगे। ये जो गंदगी है ये सब साफ हो जाएगी। तो हम पूरे फ्रिज में बाहर भी हार्पिक लगा लेते हैं, उसके बाद 10 मिनट छोड़ देंगे। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि साफ कैसे करना है। तो दोस्तों हार्पिक लगाए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब हम फ्रिज की सफाई कर लेते हैं।
तो जिस कपड़े से हमने पहले साफ किया था वही कपड़ा ले लिए हैं और नॉर्मल पानी ले लिए हैं। पानी में सबसे पहले कपड़े को भिगो लेंगे अच्छे से और उसको निचोड़ लेंगे। कपड़े को निचोड़ने के बाद इस तरीके से कपड़े फैलाना है और उसके बाद अच्छे से फ्रिज को पोंछ लेना है। तो सबसे पहले गीले कपड़े से पोंछेंगे, सबसे पहले गीले कपड़े से पोंछेंगे, तो इस तरीके से पूरे फ्रिज को अच्छे से पोंछेंगे। तो हम आपको पूरा अच्छे से पोंछ कर दिखाते हैं उसके बाद आगे क्या करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले कितनी गंदगी थी, अब पूरी गंदगी साफ़ हो चुकी है। तो अब हम पूरी फ्रिज को पोंछ लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी फ्रिज एकदम चमक चुकी है, हमने पानी से पोंछ लिया है। अब हम सूखा कपड़ा लेंगे और इससे फ्रिज को अच्छी तरह से पोंछ लेंगे जिससे फ्रिज सूख भी जाएगी और साफ भी हो जाएगी। तो आपने पहले फ्रिज देखा ही था कैसे थी, अब देख लीजिए कि कैसे है। ये प्रोसेस आपको ज़रूर करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फ्रिज अच्छे से चमक चुकी है। आप भी इस तरीके से हार्पिक से बहुत ही आसानी से फ्रिज को चमका सकते हैं। कितनी भी गंदी फ्रिज हो तुरंत साफ़ हो जाएगी। अभी हमें इसमें कुछ रखना नहीं है, 10 मिनट पहले फ्रिज को ऑन कर देंगे, जो इसमें बदबू वगैरह होगा वो सब साफ़ हो जाएगा। उसके बाद इसमें सामान रखेंगे। तो हम सबसे पहले फ्रिज को चलते हैं ऑन कर देते हैं। तो फ्रिज के बटन, फ्रिज के प्लग को बोर्ड में लगाएंगे और फ्रिज को ऑन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रिज चालू हो चुकी है। तो 10 मिनट हम इसे इस तरीके से चलने देंगे, उसके बाद इसमें सामान रखेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, जिससे अच्छी अच्छी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।